हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जॉब पोर्टल। फ्रेंड्स, सीजी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेबस और आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर जो आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वैकेंसी की जानकारी हो सके। शुरू करते हैं फ्रेंड्स, एप्लीकेशन स्टार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं 1/10/2021 से हो चुकी है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 31/10/2021 रखी गई है और एग्ज़ाम फीस जमा करने की आपकी लास्ट डेट 31/11/2021 रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के 400 रुपये, SC ST के 200 रुपये रखे गए हैं। फ्रेंड्स, एज की बात कर लेते हैं, मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 34 ईयर रखी गई है और कुछ आपको रूल्स के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। 975 पोस्ट इसमें पूरी आई हुई है। पोस्ट नेम की बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर SI इसमें ही बैचलर डिग्री चाहिए। सूबेदार की 58 पोस्ट है, SI स्पेशल ब्रांच की 59 पोस्ट आई हुई है, SI फिंगरप्रिंट की 6 पोस्ट इसमें आई हुई है। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स PCM से आपका होना चाहिए इसमें डिग्री। SI क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में भी 3 वैकेंसी हैं, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन की आप चाहिए। SI कंप्यूटर में वैकेंसी आई हुई है, SI कंप्यूटर की पोस्ट पर इसमें BCA या BSc होना चाहिए कंप्यूटर में। SI रेडियो में आपकी 9 वैकेंसी आई हुई है। इंजीनियरिंग 3 इसमें आपका 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब इसकी परीक्षा की बात कर लेते हैं, आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एक तो इसमें इसके आगे प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, जैसे कि हम देख रहे हैं शारीरिक मापतोल के बाद प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहले आपकी शारीरिक परीक्षा होगी, उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी प्रारंभिक। यह लिखित परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी, सभी प्रश्न कंप्यूटराइज विकल्प प्रकार के होंगे। मतलब आपकी ये 300 अंकों की परीक्षा होगी जो कंप्यूटर ऑनलाइन होगी। इसमें आपकी इस परीक्षा में मुख्य रूप से प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे। इस प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। मतलब पहले आपका फिजिकल होने वाला है, उसमें आपका प्री होने वाला है, प्री को क्लियर करने के बाद फिर आप मेन एग्जाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मेंस का वो देख लेते हैं, सिलेबस किस तरह से आपकी कितनी प्रश्न आएंगे, कितनी परीक्षा होगी। विषय का नाम हिंदी या अंग्रेजी भाषा, सभी पद 60 प्रश्न इसमें से आएंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट सभी पद 40 क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों 60 और 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन सभी पद 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटों का समय मिलेगा। विज्ञान जीव विज्ञान गणित और रसायन विज्ञान 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। कंप्यूटर विज्ञान में 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। अब डिटेल में बात कर लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में यह परीक्षा 200 अंकों की होगी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस परीक्षा में अंग्रेजी के लिए 75 अंक और हिंदी के लिए 125 अंकों की होगी। मतलब इसमें आपको 75 अंक लाने होंगे अंग्रेजी में और हिंदी में 125 अंक लाने होंगे। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन में यह परीक्षा 200 अंकों की होगी और 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। एप्टीट्यूड टेस्ट में यह परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी और 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। विज्ञान परीक्षा गणित भौतिक और रसायन, यह परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी और इसके लिए 2 घंटे के लिए यह परीक्षा 2 घंटे के लिए होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जो अनुसूची 3 में अथवा विशिष्ट रेडियो के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया गया। जिन्होंने इन पदों पर आवेदन किया, ये केवल उन्हीं के लिए परीक्षा होगी। जैसे मैंने आपको क्वालिफिकेशन वाइज बताया था कि आपका जो SI के लिए SI कंप्यूटर के लिए आपको BSc चाहिए, BSc में आपको BSc आपकी कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए। तो इस तरह इन्होंने क्वालिफिकेशन वाइज आपका जो एग्ज़ाम के सब्जेक्ट है वो रखे हैं। कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा, यह परीक्षा कुल 200 अंकों की कंप्यूटर उपनिरीक्षक साइबर क्राइम के पदों के लिए भर्ती। कंप्यूटर परीक्षा उनकी होगी जो कंप्यूटर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप खुद से देख के समझ सकते हैं।
अब इसमें सिलेबस की बात करें तो जनरल हिंदी में आपका क्या आने वाला है, भाषा बोध, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समुच्चरित शब्दों के लिए भेद, संक्षिप्त लेशन, संधि एवं संधि विच्छेद, सामासिक पद शब्द, मुहावरे एवं लोकतिया, सामासिक पद रचना एवं समास विग्रह, छत्तीसगढ़ राज्य के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, तस्म एवं तद्भव शब्द, क्रिया सकर्मक अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएँ, शब्द शुद्धि, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, वाक्य शुद्धि, वाच्य कृतवाच्य क्रमवाच्य और भाववाच्य प्रयोग, उपसर्ग एंड पत्यत, हिंदी साहित्य के लेखक। ये आपका इसमें जनरल हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। जनरल इंग्लिश का बात करें तो सेंटेंस कॉम्प्लेशन, सेंटेंस ऑर्डर, कंबाइनिंग सेंटेंस, एंटोनियम, होमपोन, सिनोनियम, स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एनालिसिस, डाटा इंट्रप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, पैसेज कॉम्प्लेशन, फिरिंदा ब्लैंक सेंटेंस, इंप्रूवमेंट्स, सब्टिट्यूशन, लेटर राइटिंग, टेंसेस, वर्ब, कंजक्शन, प्रिपोजिशन, आइडम एंड प्रेसिस, टॉपिक डिडक्शन, क्लोज टेस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ड जनरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जम्बलिंग ऑफ सेंटेंस। ये फ्रेंड्स आपका आप देख सकते हैं ये इसमें आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है पूरा। सीजी पुलिस एसआई प्लाटून सिलेबस, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड में आपका क्या क्या आने वाला है, औसत, आवृत्ति, बहुभुज, आयत चित्र, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ऊंचाई और दूरियां, लाभ एवं हानि, प्रतिशत, साझेदारी, नाव तथा धारा, आयु पर आधारित प्रश्न, कार्य तथा समय, समय तथा दूरी, बीजगणित, रेखीय समीकरणों के लेखांक, कण, विभाजन, अनुस्मारक। ये आपका रहने वाला है एप्टीट्यूड टेस्ट का। एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आने वाला है आपका जो ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, पाई चार्ट एंड बार ग्राफ एक्सेट्रा। अब आपकी बात कर लेते हैं जीके की। जीके में आपका क्या आने वाला है, छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित इतिहास, करंट अफेयर टॉपिक्स, भारत और उसके पड़ोसी देश, खेल और सिनेमा, भारतीय संविधान, संस्कृति, महत्वपूर्ण घटनाएं, पुरस्कार और सम्मान, भूगोल, इतिहास, आर्थिक दृश्य, राजनीति और राष्ट्रीय मामलों, राजनीति एवं राष्ट्रीय मामलों से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, सामान्य राजनीति, करंट अफेयर, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये आपका आने वाला है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपका क्या सिलेबस आने वाला है, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, कंप्यूटर के उपकरण, इंटरनेट का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बूलियन अलजेब्रा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विंडोज, डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग एक्सेट्रा। ये आपका रहने वाला है कंप्यूटर SI कंप्यूटर में SI की पोस्ट के लिए जो अप्लाई किया गया है वो इसका सिलेबस। छत्तीसगढ़ पुलिस SI भर्ती के लिए कितना समय दिया जाएगा आपको, लिखित परीक्षा के लिए 7 घंटों की होगी, सब्जेक्ट वाइज होगी, समय सारणी की दिखा देती हूँ, वैसे मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़, सेक्टर 19, नवा रायपुर। ये आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन, ये सब मैंने आपको डिटेल बता दिया है। ये वैकेंसी देख सकते हैं आप इसमें, सूबेदार 24 पद हैं। ये आप देख सकते हैं पे लेवल आपको कितना मिलने वाला है इसमें, 35,400 रुपये आपको इसमें मिलने वाला है लेवल 8 के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर लॉगिन करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।